नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका देसी क्रिप्टो में। मैं हूं आपका होस्ट, और आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि कुछ एक आध हमारे यूज़र ने कहा था कि वो लोग रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं बाइनेंस के अंदर, मगर हो नहीं रहा है। तो दरअसल ऐसा हो रहा है कि इसकी अभी मैंने देखा तुम्हारे आप लोग के कमेंट के बाद, तो अभी अभी रिसेंटली कोई न्यूज़ आई है, मतलब कि जो इन लोगों ने लिखा हुआ आ रहा है कि ड्यू टू द ओवरवेलमिंग सर्ज इन पॉपुलैरिटी, बाइनेंस विल हैव टू टेम्परेली डिसेबल न्यू यूज़र रजिस्ट्रेशन टू अलाउ फॉर एन इंफ्रास्ट्रक्चर अपग्रेड। इन लोगों ने क्या किया है, कुछ समय के लिए नए लोगों के रजिस्ट्रेशन जो है उसको रोक दिया है। उसमें कोई घबराने की बात नहीं है, कुछ समय के लिए रोका है, उसके बाद वो अपने आप चालू हो जाएगा, आप लोग वहाँ पर जा सकते हैं, ठीक है ना। और ऐसा होता है कि जैसे मैंने एक अपना वीडियो बनाया था, मैंने ये बनाया था कि मल्टीपल एक्सचेंज पे अकाउंट होना क्यों ज़रूरी है। तो वो इसलिए ज़रूरी है ना कि कभी कभी क्या होता है कि आपको कोई न्यूज़ मिल जाए कि यार ये कॉइन है, ये कॉइन ऊपर जा सकता है, या फिर आप ही को कभी मान लें किसी कॉइन पर ट्रस्ट आ जाए, आपको विश्वास हो कि यार ये कॉइन है, इसमें पोटेंशियल है, मैं इसको ले लेता हूँ। अगर मान लिया उस टाइम पे अकाउंट बनाने की कोशिश करोगे और बना नहीं, फिर क्या करोगे, समझना बात को, वो बहुत बड़ी बात होती है। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि कभी अगर अपॉर्चुनिटी मिलती है और आपके पास ऐसा कुछ हो कि यार चलो ठीक है हम इसको परचेज कर सकते हैं, है ना, ज़्यादा नहीं, थोड़ा बहुत 500 रुपया 1000 रुपया इस तरीके से, तो मैं ये कह रहा हूँ कि उसमें कर तो सकते हो ना, फिर अगर होगा तो अकाउंट तभी कर पाओगे। वरना मुझे क्या लग रहा है, एक जनरल चीज़ की बता रहा हूँ आप लोगों को, कि जिस हिसाब से डेली के लोग एक्सचेंज पे लोग बढ़ते जा रहे हैं, उस हिसाब से आने वाले समय में रजिस्ट्रेशन की प्रोसेस बहुत कॉम्प्लेक्स हो जाएगी। इतने आसानी से रजिस्ट्रेशन हो नहीं पाएंगे जितनी आसानी से आज हो जा रहे हैं, है ना। तो वो आगे जाके क्या करेगा, थोड़ी दिक्कत करेगा, क्योंकि जो बंदे समय से जो जुड़ गए हैं ना वो गेन ले रहे हैं, ऐसा नहीं है। देखो तुम अक्टूबर के टाइम से देखो ना, अगर अक्टूबर के टाइम से, तो अक्टूबर से अभी तक का एक गेन मिला है। कई सारी करेंसी, मैक्सिमम बहुत सारी करेंसी ऐसी हैं जो बहुत ऊपर चलेगी, ठीक है ना। तो मैं ये कह रहा हूँ कि अगर गलती से तुमने उसमें से कोई एक कॉइन परचेज किया होता तो तुम्हारा भी ऊपर चला गया होता, ठीक है ना। तो ये बात है, तो इसके लिए घबराना नहीं है, एक कुछ समय के लिए है, अपने आप सही हो जाएगा, उसके बाद जाके आप जा सकते हो अगर आप लोग जाना चाहते हो तो। मैं कोई एडवाइस नहीं कर रहा हूँ किसी को, मैं कोई फाइनेंशियल एडवाइज़र नहीं हूँ, मैं केवल चीज़ों के बारे में बता रहा हूँ। दूसरी बात करते हैं डैंट कॉइन की। तो डैंट कॉइन के बारे में कुछ लोग का जानना था कि क्या होता है, कब कब आप कब बेच रहे हो, क्या करोगे। तो भाई मेरा ये सोचना है डैंट के बारे में कि मुझे ऐसा लगता है ना कि जब इसके प्राइस 23 या 24 रुपये के आसपास आएंगे, तब मुझे लगता है कि मैं अपने डैंट कॉइन कुछ निकालूँ, कुछ ज़्यादा नहीं, कुछ निकालूंगा। क्योंकि इनका जो है ना, इनका स्क्रीनशॉट बहुत क्लियर है, इनका जो माजरा है वो क्लियर है। उनका क्या है कि इसी दिसंबर के इसी टाइम पे, इसी 2018 में इनके जितना भी रोड मैप बनाया है ना पूरा का पूरा, वो इम्प्लीमेंट हो जाना है। और मैं कह रहा हूँ कि हर एक स्टेप पे, अभी जैसे क्या हुआ कि iOS की ऐप आई है, उसके बाद एंड्रॉयड की ऐप जब ये लॉन्च करेंगे तब देखना एक गेन तब मिलेगा अच्छा वाला। उसके बाद जब ये लोग अपने इंडिया के साथ जो बोले ना, इंडिया मैक्सिको में जाके स्ट्रेटेजिक तरीके से पार्टनरशिप करके आगे काम करेंगे, तब एक गेन बहुत अच्छा मिलेगा उस टाइम पे। तो इस तरीके से इसके प्राइस बढ़ेंगे, 2018 में इनके रोड में पूरे कंप्लीट हो जाने हैं। तो मुझे ऐसा लग रहा है ज़्यादा इंतजार नहीं करना है कि 2 साल के लिए होल्ड किया, 3 साल के लिए किया, केवल एक ही साल में, और एक साल को भी छोड़ दो। यही जब अप्रैल का टाइम आएगा ना, मार्च या अप्रैल का, उसी टाइम पे आप देखना कि इतनी सारी चीज़ें इनकी आने वाली हैं कि वो इसके प्राइसेस को बढ़ाएंगे। अभी यहाँ देखो क्या हुआ कि 22 घंटे पहले एक ट्वीट आया था इनका, ये देखो 22 घंटा लिखा है ना यहाँ पर को, तो यहाँ पर एक ट्वीट आया था कि जस्ट 1 वीक आफ्टर द रिलीज ऑफ द डेंट iOS ऐप द डाटा प्राइस हैव बीन अपडेटेड, डाउनलोड द डेंट ऐप एंड गेट 100 MB फॉर फ्री। डेंट ऐप को अगर आप लोग डाउनलोड करते हो तो आपको 100 MB का डाटा फ्री मिल रहा है। ये इनकी 22 घंटे पहले न्यूज़ आई थी, ये स्क्रीनशॉट इन लोगों ने सेंड किया है यहाँ से, ठीक है ना। तो मैं ये कह रहा हूँ कि देखो, एक न्यूज़ जब आई तो उसके प्राइसेस में इजाफा हुआ, जैसे जैसे कोई अपडेट आते हैं तो वैसे वैसे प्राइसेस में इजाफा होता है। दूसरा आया था इनका डेंट टू बी लिस्टेड ऑन क्रिप्टोस प्लेटफॉर्म, ये आया था तुम्हारा 2 तारीख को, यहाँ लिखा है 2 जनवरी, तो इसके बाद भी प्राइस इंक्रीज हुए थोड़े बहुत। यहाँ पर एक बंदे ने लिखा था कि कैन आई सेंड मोबाइल डाटा फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया टू माई फ्रेंड इन मैक्सिको, तो यहाँ पर डेंट वालों ने ट्वीट किया था, उसी के क्वेश्चन पे उन्होंने ट्वीट किया है कि विद डेंट iOS ऐप यू कैन, अगर आपके पास डेंट की iOS ऐप है, डेंट ऐप है आपके पास, तो आप उससे कर सकते हो। हियर इज ए स्क्रीन शॉट ऑफ टेलकेल यूजर इन मैक्सिको रिसीविंग डाटा फ्रॉम एन ऑस्ट्रेलियन यूजर, जो बंदा मैक्सिको में है वो ऑस्ट्रेलिया वाला बंदा उसको डाटा भेज रहा है, मोबाइल डाटा। तो ये चीज़ें बड़ी है ना कायदेमिक तरीके देखा जाए तो। अब देखो ऐसा है, चाहे कोई कुछ कहे,
मान लेते कोई कहता है कि इसकी जरूरत क्या है, क्यों करना है, ये तो हमारे बंदे भी कर सकते हैं, करने को तो सारी चीज़ें कर सकते हैं, उसके लिए कौन मना कर रहा है। मैंने बोला ना आप लोगों से पहले कि जितने भी ब्लॉकचेन बेस्ड एप्लीकेशन या सॉल्यूशन आ रहे हैं वो कायदे में नॉर्मल एप्लीकेशन के थ्रू हो सकते हैं, लेकिन बात है ट्रस्ट की, बात है सेंट्रलाइज, जो सेंटर पे एक चीज़ जा रही है उसके ट्रस्ट की, जिस जगह पे आपकी इन्फॉर्मेशन जा रही है ना। अगर कोई एक एप्लीकेशन बनती है जो प्राइवेट एप्लीकेशन हो, जैसे पेटीएम है, पेटीएम में उन लोगों ने आपका मोबाइल नंबर लिया है तो वो पेटीएम के डेटाबेस में स्टोर हो रहा होगा। सेंट्रलाइज जगह में दो चीज़ें होती है, एक तो ये होता है कि कभी भी वो हैक होने का संभावना होती है, कि एक जगह पे जब इन्फॉर्मेशन है तो वहाँ पर हैक होने की संभावना होती है, और जब ये हैक होगा तो पूरा का पूरा डाटा उड़ेगा सब लोगों का, तुम्हारा मेरा हर किसी का जिसका डाटा पड़ा है। लेकिन डिसेंट्रलाइज जब होती है चीज़ें, जब ब्लॉकचेन बेस्ड डिसेंट्रलाइज एप्लीकेशन बनती है तो वहाँ पर इस तरीके की चीज़ें नहीं होती, वहाँ पर को हर एक सिस्टम अपना एक अलग अलग नोड की तरह काम करता है, डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम है ना ब्लॉकचेन, और क्या है, तो वहाँ पर को अलग अलग चीज़ें बटी हुई है। तो बंदा कहीं पर भी जाके हैक करने की कोशिश करे किसी को, मतलब किसी एक जगह पर जाकर पूरा डाटा निकालने की कोशिश करे तो वो पॉसिबल नहीं हो पाएगा, समझना ध्यान से। तो उस चीज़ के लिए कह रहे हैं बात, ये उस चीज़ के लिए बात आई। और दूसरा, ब्लॉकचेन में सिक्योरिटी है, बहुत हाई लेवल की सिक्योरिटी है ब्लॉकचेन के अंदर। तो मैं ये कह रहा हूँ कि अंतर है, जो मुझसे किसी ने सवाल पूछा था उनने ये पूछा था कि ये चीज़ तो हमारी जो ऑर्गेनाइजेशन है वो कैपेबल है करने के, अगर टेलीकॉम की बात करें तो हमारी जो एयरटेल है, आइडिया है, या फिर कोई सा भी हो, वोडाफोन हो, कोई सा भी हो, वो लोग कैपेबल हैं इस चीज़ को करने के। मगर मैं ये कह रहा हूँ कि वो कैपेबल हैं लेकिन वहाँ पर किसी का है नहीं ना, कायदे में चीज़ें जो बन रही है ब्लॉकचेन के हिसाब से वो अलग अलग सीन के साथ आ रही है, उनमें कुछ तो अलग है जब ही तो वो आ रही हैं। और जो चीज़ें मैं बोल रहा हूँ ट्रांसपेरेंसी, ट्रस्टवर्दी, वो वाकई में है यार ब्लॉकचेन के अंदर, वो देखो तो सही, जाके पढ़ो तो सही, जब तुम पढ़ोगे तब तुम्हें लगेगा कि वो चीज़ वाकई में चीज़ों को ट्रांसपेरेंट बनाने के लिए आ रही है। जो यूज़र है ना, यूज़र जो एक्चुअल यूज़र हैं उनके बेनिफिट के लिए ये चीज़ें बन रही हैं, जो भी ब्लॉकचेन बेस्ड एप्लीकेशन है यूज़र को बेनिफिट देने के लिए, ठीक है ना। और सेंट्रलाइज जो चीज़ें हैं जितनी भी हैं वहाँ पर को ट्रस्ट का दो तरीके से इश्यू है। पहला ट्रस्ट तो ये है कि तुम्हारा एक जगह पे है और वहाँ पर से कभी भी कोई भी बंदा अगर जाए तो सबका एक्सेस कर सकता है, अगर उसने हैक किया तो मान लिया। दूसरा ट्रस्ट ये है कि तुम्हारा जो डेटा है तुमको भी तो ट्रस्ट होना चाहिए, किसी भी जगह पर तुमने डेटा दे दिया तुमको खुद घबराहट होती है, भले ही अभी ना हो। अभी हम लोग क्या सोचते हैं कि जितने भी हम लोग जहाँ पर भी इन्फॉर्मेशन डाल लें वो सिक्योर होगी, मान लो एक बार सोचो जरा वो सिक्योर ना हो तो, और हो सकता है अगर जिस जगह पे तुमने डाली है वही उसका अगर मिसयूज करें तो, समझना बात को, तुमने तो अपनी इन्फॉर्मेशन फिल आउट कर दी, दे दी अगले बंदे को, अगले बंदे के यहाँ पर को सारी इन्फॉर्मेशन पड़ी है, ये ट्रस्ट किसका है ये भी तो सोचो। तुम्हारा ट्रस्ट तुम किस पे कर रहे हो, तुम कंपनी पे कर रहे हो, कंपनी के जो बंदे हैं उन पे कर रहे हो, उन बंदों को खुद अपने आप पर ट्रस्ट नहीं है, ध्यान से समझना, उन लोगों को खुद अपने आप पर ट्रस्ट नहीं है। तो ये सारा ट्रस्ट का गेम है मेरे भाई, जो ब्लॉकचेन का काम चल रहा है वो ट्रस्ट को बढ़ाने के लिए आया है, ठीक है ना। हर एक सिनेरियो पे, जिस जिस जगह पे भी तुम आज काम कर रहे हो, जो इन्फॉर्मेशन दे रहे हो, और तुमको अगर ट्रस्ट में कोई इश्यू आ रहा है, उन सारी चीज़ों का आंसर ब्लॉकचेन के पास है, सारी चीज़ों का आंसर, समझना बात को ध्यान से। और तीसरा ये हो रहा है कि देखो, अगर कोई चीज किसी भी जगह से, मैं तुम्हें हर बार मैंने सोचा है कि रिपीट कर रहा हूँ, आप लोग को भी अजीब सा लगता होगा कि बार बार क्यों बोल रहा है इतनी सारी बात, लेकिन मैं बता तो बताना पड़ेगा ना यार किसी भी इंसान को, जब एक चीज़ को मैं क्लियर आउट कर रहा हूँ, किसी के भी प्राइस को बता रहा हूँ, तो बंदे ये ना सोचे ना सपने सुहाने लड़कपन के हैं, समझना ध्यान से। कई सारे बोलते हैं कि सपने सुहाने लड़कपन के, देखो सपना, देखो सपना नहीं है मेरे भाई, तुमने अगर प्राइस देखे होते ना तो तुम कहते फिर ये सारी चीज़ें, तुमने अगर प्राइस, मैं दिखाऊंगा अभी तुमको प्राइस, दिखाऊंगा चिंता मत करो, सब चीज़ें दिखाऊंगा, ठीक है। तो क्या कह रहा हूँ मैं कि वहाँ पर को देखो इस तरीके से चीज़ें हैं, है ना, तो ये बहुत बड़ा डिफरेंस है। दूसरा यह है, देखो एक लास्ट चीज़ बता रहा हूँ, दूसरी चीज़ यह है कि जब भी कोई तीसरी जगह से कोई इन्फॉर्मेशन अगर ले भी, तुम्हारी कहीं सेंट्रल जगह पे कोई इन्फॉर्मेशन हो अगर वो लेना चाहे तो वो लेगा नहीं ना, कोई भी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन नहीं लेगी किसी जगह से, वो भी एक ट्रस्ट का इशू है। तो ये चीज़ें हैं कहने की बात। अभी देखो मैं क्या कह रहा हूँ, मैं क्या कह रहा हूँ कि 23-24 के आसपास जो अपने कॉइन है, कुछ कॉइन निकाल लूँगा क्योंकि मुझे लगता है कि वो राइट टाइम होगा कुछ कॉइन निकालने के लिए, ठीक है ना। तो ऐसा मैं सोच रहा हूँ, बाकी ये है कि कुकॉइन के अंदर ये अभी लिस्ट है, और अगर किसी बड़े एक्सचेंज में आता है तो हो सकता है कि स्टार्टिंग के कुछ दिनों में प्राइस नीचे चला जाए लेकिन उसके बाद प्राइस ऊपर ही जाएगा। और मैं ये कह रहा हूँ कि जिस बंदे ने भी कम प्राइस पर परचेज किया, कभी उसका प्राइस मान लिया, अगर जैसे मैंने किया था 1.5 रुपये में परचेज
1 रुपया 50 पैसे में, और दूसरा मैंने किया था 1 रुपया 39 पैसे में, इसके हिसाब से, यहाँ पर देखने के हिसाब से। और वहाँ के हिसाब से वो था 1 रुपया 20 पैसा और 1 रुपया के समथिंग होगा, ऐसे ही कुछ होगा। तो मैं ये कह रहा हूँ कि अगर वो प्राइस तुम्हारा 7 गुना आगे बढ़ता है और उसके बाद गलती से घटते हुए फिर 3 गुने में आ जाए, तो मैं कह रहा हूँ कि उसमें ना ऐसा वो मत करना कि अगर तुम्हारा थोड़ा भी विजन में ट्रस्ट है तो मैं लगता है कि यार सही है, मार्च के टाइम पे, अप्रैल के टाइम में इनके रोड मैप के हिसाब से ये चीज़ें आने वाली हैं। जब भी कोई एक अपडेट आएगा ना उनका, वो प्राइस पे इफेक्ट डालेगा, आप देखना उस चीज़ को, भले ही कुछ समय के लिए डाले लेकिन उस समय प्राइस में इफेक्ट आएगा, प्राइस में हलचल होगी, बढ़ेगा प्राइस, ऊपर जाएगा, उसके बाद भले ही नीचे आ जाए। जैसे मैंने नेवलियो का बोला था, नेवलियो के बारे में क्या बोला था मैंने, एक एग्जाम्पल दिखाया था कि एक ट्वीट आया उन लोग का, उनने बोला कि हम एक रॉक स्टार डेवलपर को हायर करने वाले हैं, प्राइस सीधे 723 रुपये में पहुँच गया जब उनका वो अपडेट आया। उसके बाद दूसरा ट्वीट डाला उन लोगों ने कि हम लोगों ने ये कर दिया, इसको देख लो जाके। तो मैंने ये सोचा कि तुम लोगों ने इसको डालने की जरूरत क्या थी, खाली वो सस्पेंस जो क्रिएट किया था उसको कर रखे रहने देते, 723 से 823 हो जाता। लेकिन जैसे उनने दूसरा ट्वीट डाला, उसने अपनी खुद की अपने पैर में कुल्हाड़ी मार दी, हम लोगों के उसमें 723 के बाद सीधे प्राइस चला गया 600 रुपये में, जब उनने दूसरा ट्वीट डाला उस बंदे ने, जिस बंदे का उन्होंने डाला, लोगों को पता चल गया कि यार दो तीन बंदे थे, एक बंदा और हायर कर लिया, इसमें कौन सी बड़ी बात है, वहाँ पर लोगों ने बेचने शुरू कर दिए। जिनको पता नहीं था उनकी टीम के बारे में, उनको ही पता चल गया कि यहाँ पर कोई बंदे है ही नहीं करके, ये समझो बात, अब समझो क्या कह रहा हूँ मैं। तो यह है डैंड के प्राइसेस के बारे में। और ये देखो सपने सुहाने लड़कपन के जो है ना, मैं तुम्हें बता रहा हूँ कि जो ट्रॉन था जब हम बाइनेंस के अंदर गए थे स्टार्टिंग में, जितने भी लोग गए होंगे अक्टूबर के टाइम पे, 15 पैसे का ट्रॉन मिलता था उस टाइम पे, 15 पैसे का ट्रॉन, समझना ध्यान से, 15 पैसा यहाँ होता है क्या, 15 पैसे का ट्रॉन था और आज 17 रुपये का हो गया है। अब तुम खुद जाके कैलकुलेट करो, जितने भी समझदार लोग हैं, जितने भी लोग ऐसे हैं जो कि बहुत बड़े बड़े जगह पे काम करते हैं, आप सब लोग एक काम करो, हाथ में पेन पकड़ो, एक कागज लो और 17 पैसा 15 पैसा को देखो, 17 रुपये में कितना परसेंटेज गेन हुआ है या कितने गुने का गेन मिला है, वो जाके एक बार चेक करो, ठीक है, तब पता चलेगा कि ये सपने सुहाने लड़कपन के नहीं है, यहाँ पर चीज़ें हैं। ये जो क्रिप्टो वर्ल्ड है ना, जो अभी चल रही है, ये इसका बूम फे चल रहा है। यहाँ पर वो क्या हो रहा है कि तुम तुक्का भी मारोगे ना, अगर किसी भी कॉइन पे अगर ऐसे हाथ रख दो, मेरा ये कॉइन, मेरा ये कॉइन, वो सारे कॉइन बढ़ ही जाने हैं, ये फेज इस टाइप का चल रहा है। जब ये फेज नहीं चलेगा मैं खुद बता दूंगा तुमको, समझना बात को, उस समय पर प्रेडिक्शन करनी बहुत बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा। अभी तो ये हो रहा है कि कोई सा भी गंदे से गंदी करेंसी भी आ जाए, एक अपडेट अगर उन्होंने डाल दी अपनी ढंग की, तो यहाँ पर प्राइस देखना कितने बढ़ जाएंगे, ये समझो बात क्या हो रहा है। क्योंकि यहाँ पर कुछ ज़्यादा हाइप के उस पर चल रहा है ना चीज़ें, यहाँ पर कुछ तो लोगों को लग रहा है नहीं, लो भैया लो, जल्दी से कैप्चर करो, जो सस्ता मिल रहा है उसको ले लो, इस तरह की चीज़ें चल रही हैं। जब बंदे 10-10 हज़ार, 50-50 हज़ार रुपये वाली कॉइन परचेज कर ले रहे हैं एक बार में, तो उनके लिए 15-17 रुपये वाली कॉइन क्या है। हम लोग को लगता है कि हमने यार 15 पैसे में जब वो 1 रुपये का हुआ तब हमने परचेज नहीं किया, अब हम क्यों करें इसको परचेज, हम ऐसा सोचते हैं। लेकिन जो बंदा बड़े लेवल पे चल रहे हैं वो थोड़ा सोचते हैं ऐसा, वो घुस रहे हैं और 17 रुपये को भी परचेज कर रहे हैं और धीरे धीरे उसको भी बढ़ा दे रहे हैं आगे। जब जिस बंदे ने अगर लार्ज अमाउंट में परचेज किया है, और अगर वो मान लिया किसी ग्रुप से जुड़ा है, कुछ ऐसे ग्रुप हैं यहाँ पर को जो कि प्राइस में पम्प डम्प का काम करते हैं, तो वो तो काम करेंगे ही ना अपना, बढ़ाने घटाने का काम करेंगे और धीरे धीरे बढ़ा ही देते हैं वो लोग कैसे ना कैसे करके। तो ये मैं कहने की कोशिश कर रहा हूँ कि क्या है ये चीज़ समझो आप लोग, कि यहाँ पर कोई सपने सुहाने लड़कपन वाली बात नहीं मेरे भाई, कॉइन के दाम एक्चुअल में बढ़े हैं। ट्रॉन जब हम गए थे तो बंदे 2000-1000 ट्रॉन थोड़ा परचेज करते थे उस टाइम पे, उस टाइम में करते थे 10 हज़ार 20 हज़ार, 15 पैसे का ट्रॉन था तो बंदे ऑलरेडी 10 हज़ार रुपये आते थे, उन 10 हज़ार कॉइन आ जाते थे जब हम डालते भी थे ना उसमें। जैसे हमने इथेरियम में मैक्स क्लिक किया अगर मान लिया, तो मुझे तो वहाँ पर 15 हज़ार 10 हज़ार ही दिखता था हमेशा, कि 10 हज़ार कॉइन ले लिया। तो उस टाइम में हमने ट्रेडिंग करी, ट्रेडिंग करके छोड़ दिया, मतलब तब मुझे कुछ लगाव नहीं था ना ट्रॉन से, अभी भी लगाव नहीं है। ट्रॉन हो गया तुम्हारा, रिपल है, ट्रॉन रिपल और क्या कहते हैं फनफेयर वर्ज और इस टाइप की बिट कनेक्ट बिटकॉइन, इस तरह की जितनी भी करेंसी है, मेरा पर्सनल उनके साथ कोई भी वो नहीं है इंटरेस्ट, तो मुझे इनके प्राइस बढ़ते हैं घटते हैं कभी कोई फर्क नहीं पड़ता, कि बढ़ते हैं तो बढ़ जाएं, अब ये 17 रुपये 1 लाख रुपये चले जाए, जिसको अमीर बनना है वो बन जाए यार, उसमें कोई क्या दिक्कत है, अमीर बनना है सबको, बने ना अमीर। जब पूरी दुनिया अमीर बन रही है, जैसे दूसरी कंट्री के लोग अमीर बन रहे हैं, तो दूसरे वाले सब पैसा लेके जा रहे हैं, तुम भी थोड़ा पैसा ले आओ इंडिया के अंदर, टैक्स दोगे हमारा देश भारत आगे जाएगा, वो कितनी बड़ी बात है वो सोचो ना आगे। तो मैं ये कह रहा हूँ कि देखो ये लूटो वाला फेज चल रहा है, जिसके हाथ हारा है लूटो लूटो, जो मिल रहा है उसको लूट लो, तो इस तरीके से काम चल रहा है वो, देखो क्या है।
तो मैं क्या कह रहा हूँ वो समझो बात को, कि यहाँ पे प्राइस बढ़ रहे हैं। अभी मैं क्या कह रहा हूँ कि ये तो बात होगी डेंट की, कि मैं 23 रुपये के समथिंग में निकालूंगा अपने कुछ कॉइन, और मुझे लगता है मैं पॉजिटिव हूँ उस चीज़ के लिए कि वो ऊपर जाएगा। उनके रोड मैप जिस तरीके से बना है, कुछ भी अगर गलती से कर देना, एक एक अपडेट भी हर महीना आते रहे, तो मुझे ऐसा लग रहा है एक ही एक अपडेट काफ़ी होगा प्राइस को दोगुना करने के लिए। ये है कहने की बात। अब समझो आगे क्या है। दूसरी चीज़ यह है कि बात करते हैं केसीएस की। कुछ लोग कुकॉइन शेयर के बारे में बोल लेते हैं, तो यार देखो ऐसा है ना, कुकॉइन शेयर के बारे में कुछ जो तुमसे बोल रहे हैं, मैंने तो कल जवाब दिया आप लोगों को कि एक्सचेंज के बारे में। देखो ऐसा होता है, जिन लोगों को टाइम से चीज़ें ना मिल पाए, ध्यान से समझना, कुछ लोग अगर रह जाते हैं ना टाइम से नहीं मिल पाते, तो उसमें दो ही चीज़ें होती हैं, या तो उनको अगर समझ आ जाए तो किसी समय में वो परचेज कर लेंगे, या फिर उनको अगर तब भी नहीं लगा कि यार परचेज नहीं कर पाए, देखें अगर अपनी आंखों के सामने बढ़ते हुए, तो फिर पता है इंसान क्या करता है, इंसान उसके बारे में दूसरी बातें बोलना शुरू कर देता है, क्योंकि कुछ तो करना ही है दिल हल्का करने के लिए। समझना ध्यान से मेरी बात। जिस बंदे ने ट्रॉन 15 पैसे में परचेज नहीं किया होगा, और जिसने 1 महीने बाद जिसने 1 रुपये में परचेज नहीं किया होगा, वो आज क्या करेगा, ट्रॉन के बारे में गलत बातें ही बोलेगा कि भाई नहीं है, बेकार है, अबे नीचे जाओगे, अबे इसमें तो ऐसा होता है। होगा, सबको पता है, जितने भी लोग यहाँ आ रहे हैं कोई बेवकूफ़ थोड़ना है, सबको पता है कि क्रिप्टो करेंसी वोलेटाइल है और वो किसी भी समय में नीचे जा सकती है, ध्वस्त हो सकता है पूरा मार्केट, मगर जो कैप्चर कर रहे हैं वो तो अपना प्रॉफिट लेके निकल ही रहे हैं। जिन लोग लेट से आ रहे हैं वो लेट से आ रहे हैं, जिन लोग टाइम से आ गए उनने तो अपना प्रॉफिट लेके कर ही लिया है ना, कुछ ना कुछ, कुछ ना कुछ उनने कर ही दिया है अपना। 17 गुने का गेन भी लिया, 20 गुने का गेन भी ले लिया अगर, तो बहुत होता है यार, 1,000 रुपये 20,000 रुपये में कन्वर्ट हो जाए तो। मैं क्या कह रहा हूँ समझो, कि ये जो बात है ना कहने की, वो है समझो, यहाँ की जो मैं कह रहा हूँ कुकॉइन शेयर के बारे में, इसमें ना एक मेल मैंने पढ़ी थी इन लोगों की, उसमें इन लोगों ने लिखा था, एक मेल आई थी मेरे पर, मैंने उनको कुछ मेल डाले थे, लॉग आउट हो जा रहा है इस तरीके से कुछ डाला था, उसके रिप्लाई में इन लोगों ने कुछ मेल डाली थी, सब लोग को आई होगी मेरे ख्याल से, प्रमोशनल मेल थी। उसमें इन लोगों ने लिखा था कि 3 लाख यूज़र इनके साथ जुड़े हैं। मैं ऐसा सोच रहा था कि इनके साथ 8-9 लाख 10 लाख हो गए होंगे, मुझे लगता था ऐसा, पर अभी लग रहा है कि 3 लाख लोग हैं। तो मुझे तो ना अभी पॉजिटिव, अंदर से एक पॉजिटिव वो आया है, एक पॉजिटिविटी आई है कि यार 3 लाख लोगों में 471 रुपये प्राइस है, तो जब समझो कि 7 लाख 8 लाख 10 लाख होंगे तो कितना होगा। और जो कूकॉइन काम कर रहा है वो थोड़ा अलग काम कर रहा है, वो कॉइन भी ऐसा लिस्ट कर रहा है जो और जगह ना मिले, और वो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जो इसके कॉम्पिटिटर हैं वो दूसरे हैं ना, बाइनेंस है, बिट्रैक्स है, उनसे अगर उनके टक्कर में आना है, वहाँ के भी अगर लोग कैप्चर करने हैं, तो कुछ तो अलग करना पड़ेगा, इसलिए वो चीज़ें अलग करी हैं, ठीक है ना। तो इसके प्राइस को लेके भी मैं बहुत पॉजिटिव हूँ, और मुझे ऐसा लगता है कि प्राइस तो अगर देखा जाए तो बहुत कम है एक तरीके से। मैंने तुम्हें बताया था पहले कि मुझे ऐसा लगता है कम है, बाकी घटती बढ़ती यार 560 रुपये जब ये गया था, तब भी मैं देख ही रहा था इसको बढ़ते हुए, मौका तो वहाँ पर दिख ही रहा था कि घटते हुए नीचे आ रहा है, कायदे में तो वहीं निकाल देता। लेकिन क्या है कि अभी थोड़ा दूसरा सिनेरियो है, अभी इतना हेडेक लेना भी नहीं है, ये बढ़ता है तो बढ़े, घटता है तो घटे, वो लॉ देर सवेर उन्हें बढ़ ही जाना है, धीरे धीरे यूज़र जब बढ़ेंगे, कुछ एक फेज आएगा हल्का वाला, दूसरा फेज और आने दो, एक फेज और आएगा अभी, जब सारे प्राइस और तगड़े तरीके से ऊपर जाएंगे। और तुम ये देखो ना, बहुत सारे प्राइस ऐसे हैं कि जो अपने समय पे 300-400 रुपये के थे, और वहाँ पर क्या होता है कि जैसे बिट कनेक्ट है, वहाँ पर क्या हो रहा है, वो पीयर टू पीयर क्रिप्टो करेंसी है बिट कनेक्ट, ठीक है। मानता हूँ कि ये कॉइन थोड़े कम है मार्केट में, लेकिन एक चीज़ देखना कि ये पीयर टू पीयर क्रिप्टो करेंसी है, और दूसरी चीज़ कि यहाँ पर को जब आप इसको होल्ड करते हो बिट कनेक्ट को, तो ये तुमको कुछ वो देते हैं, इंटरेस्ट देते हैं, ठीक है ना, इस तरीके की इनकी स्कीम है। तो मैं क्या कह रहा हूँ कि ये कॉइन था तुम्हारा 230 रुपये का स्टार्टिंग में, और भी सस्ता होगा इससे, 230 रुपये का था स्टार्टिंग में प्राइस, और आज कितने का है वो देख लो, 29,000 रुपये का है, 30,000 रुपये का है। तो कभी कभी क्या होता है ना, कि लोगों को पता होता है कि वो चीज़ सही नहीं है, या फिर वो चीज़, जैसे बिट कनेक्ट के बारे में लोग क्या कहते हैं, बिट कनेक्ट के बारे में बोल रहा हूँ, कॉइन के बारे में नहीं, कि बिट कनेक्ट है पोंजी स्कीम, वहाँ पर कोई हो इसलिए ऐसा ही रहा है कि आप बिट कनेक्ट को अपने लैंड कर रहे हो कुछ समय के लिए, रखते हो और उस पर आपको इंटरेस्ट मिलता है, सब लोग को पता है पोंजी है, फिर भी लोग जा रहे हैं, और जो लोग स्टार्टिंग में जुड़े उनने बहुत पैसा कमाया, बहुत ज़्यादा, ठीक है ना। तो ये क्या कह रहा हूँ मैं, ये समझो, ये चार्ट क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है कि यहाँ पर कोई प्राइस कितना था, 125 117 रुपये, 19 मार्च को ये 100 रुपये का था, 19 मार्च को, और 19 के बाद अभी जो इसका प्राइस है वो कितना है वो देख लो, 29,950 रुपया। तो यहाँ थोड़ा ना होता है 29,000 रुपया, 100 रुपये में किसी ने एक कॉइन लिया वो 30,000 रुपये का हो गया, अगर गलती से उसने 100 कॉइन लिए हों तो वो कितने के हो गए, 30 लाख रुपये का हो गया, ऐसे तो होगा ना, 30,000
3 लाख और 30 लाख, तो ये 30 लाख रुपए का उसका मटेरियल हो गया आज पूरा, जो उसने 100 कॉइन उस टाइम पे लिए होंगे 100 रुपए के हिसाब से 10,000 रुपए में। इस तरीके की चीज़ें होती हैं। तो ये मैं कहने कहने की बात क्या है ना, ये नहीं बोल रहा हूँ कि हर प्राइस ऐसे जाएगा, लेकिन ये मार्केट अगर चली जो फेज चल रहा है ना इसका, जिस तरीके से बढ़ रहा है, जिस तरीके से यहाँ पे गेन मिल रहा है, अगर ये गलती से 1 साल और चल जाती है तो मैं बता रहा हूँ कि कई सारे लोगों को तो ये करोड़पति बना के छोड़ ही देगी। कई सारे लोगों को, कई सारे लोग जिनने अच्छे अच्छे अमाउंट में लगाया होगा वो सारे के सारे करोड़पति बन जाने हैं। कितनों को इसने बना दिया ऑलरेडी। मतलब ऐसा होता है ना कि मैं कहीं की खबर सुन रहा था कि कुछ बच्चे ऐसे हैं ना, बच्चे हैं वो, उनके मम्मी पापा मतलब पूरी ज़िंदगी मेहनत करके 60 साल उनने जॉब करके रिटायरमेंट का पूरा पैसा इकट्ठा किया होगा, और बच्चों ने 1 साल के अंदर पता नहीं क्या किया। बाहर के हैं वो, एब्रॉड में, US UK के बच्चे, उन लोगों ने पता नहीं क्या किया, कुछ टाइम से इन्वेस्टमेंट डाल दी होगी, कुछ कर दिया होगा, क्योंकि बच्चों को सारी चीज़ें पता है, बड़े लोग को तो अभी पता नहीं है क्या होती है क्रिप्टो करेंसी। वो लोग कहते हैं पोंजी है बेटा, पोंजी मत जाना। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि देखो, मैं प्रमोट नहीं कर रहा हूँ किसी चीज़ को, मैं तो अवेयर करता हूँ लोगों को, समझना ध्यान से, मैं अवेयर करता हूँ कि क्रिप्टो मार्केट इज़ हाईली वोलेटाइल। जैसा ऊपर वाले आदेश दे रहे हैं वही मैं भी बोल रहा हूँ कि ये हाईली वोलेटाइल है भाई, मत आना इस जगह पे, यहाँ पर नीचे भी जा सकती हैं चीज़ें। लेकिन मैं एक बात बोल रहा हूँ उसके ऊपर से, ठीक है ना, एक बात बता रहा हूँ कि वहाँ पर उन बच्चों ने इतना कमाया यही फेज के चलते हुए, जो ये बूम पे चली चीज़ें, जिस हिसाब से चीज़ें बढ़ी हैं, कि वो सारे के सारे बच्चे अपने माँ बाप से 5 या 10 गुना आगे, उनके रिटायरमेंट से, उनके रिटायरमेंट की जितनी इनकम है, जितना उन्हें ज़िंदगी भर में कमाया होगा, उससे 2-4 गुना आगे कमा लिया उनके बच्चों ने। तो मैं ये कह रहा हूँ वो समझो, ऐसे ऐसे एग्जाम्पल हैं। और मुझे क्या लगता है कि 1-2 साल के अंदर ये बहुत सारे लोग, यार बहुत सारे लोग जिनने अच्छे अच्छे अमाउंट में इन्वेस्ट किया होगा, सारे के सारे ऊपर चले जाने हैं, सारे के सारे, सबको अमीर बना के जाएगा। उसके बाद भले ही किसी को करोड़पति से बना दे वो रोडपति, रोडपति का मतलब बिल्कुल नीचे ले आए, क्योंकि वो फेज आएगा भी, ऐसा भी फेज आएगा जब ये सारे के सारे प्राइस जो है ना, जो किले बना रखे हैं बहुत बड़े बड़े, सारे ध्वस्त होंगे, समझना उस चीज़ को, क्योंकि ये एक्चुअल प्राइस है नहीं ना यार। एक कंपनी में बहुत सारी चीज़ें होती हैं। एक फेसबुक का जब आप शेयर लेते हो 14-15 हज़ार रुपये का, उस पर भी आप कहते हो यार फेसबुक में चीज़ें देखते हो कि इसके अंदर मैं क्यों लूँ, फेसबुक क्या काम कर रहा है, क्या चीज़ें करने वाला है, तब लेते हो आप शेयर उस चीज़ का 14,000 रुपये में। यहाँ पर को केवल और केवल एक डिजिटल करेंसी है, कुछ नहीं, उसके जैसे दुनिया भर की करेंसी आ गई है, तब भी उसका प्राइस बढ़ते जा रहा है, बढ़ते जा रहा है, बढ़ते जा रहा है, क्योंकि ये हवा चल रही है ना। अगर उसको कोई ख़रीदने वाले हैं जब भी तो बढ़ रहा है, कोई वहाँ पर को अगर ख़रीदने वाला नहीं होगा तो घटेगा। जितने भी लोग आ रहे हैं वो देख रहे हैं कौन सा कॉइन बच गया, इसको हम ले लें जिस पर गेन मिल सकता है, और 2-4 लोग अगर उसकी पब्लिसिटी कर दें तो वो फिर सोने में सुहा गए। उस तरीके की चीज़ें यहाँ पर चल रही है। तो वो मैं समझा रहा हूँ कि जो प्राइस आपके 300-400 रुपये के हैं, ऐसा हो सकता है कि वो प्राइस 4,000 रुपये, 8,000 रुपये और 10,000 रुपये में चले जाएँ, अगर इस हिसाब से चलता रहा मार्केट। ध्यान से समझना मैं क्या बोल रहा हूँ, सपने सुहाने लड़कपन के नहीं है, ये एक्चुअल ग्रोथ चार्ट है। 192 रुपये का प्राइस दिख रहा होगा नीचे, देखो यहाँ पर को 26 मार्च लिखा है और 192 लिखा है आगे से। ये क्रिप्टो करेंसी चली इस तरीके से, सब प्राइसेस में इजाफा हो रहा था, इस वजह से ये आज 29,000 रुपये में आ गया। अगर नहीं होता तो नहीं आता, ध्यान से समझना, नहीं होता अगर क्रिप्टो मार्केट में लोग जुड़ नहीं रहे होते, लोग खरीद नहीं रहे होते, तो ये नहीं जाता। लेकिन जो प्राइस 192 रुपये का था, तब भी लोग ये सोचते थे कि यार 500 रुपये का है, बेच देते हैं, समझना ध्यान से, यार 500 रुपये का यार बहुत गेन मिल गया, बेच देते हैं। जिनने नहीं बेचा उनने 1 ही साल के अंदर, अभी 1 साल भी पूरा नहीं हुआ है, 9 महीने हुए हैं, और 9 महीने के अंदर अपनी रकम को 30,000 रुपये बना लिया एक कॉइन को। तो मैं कह रहा हूँ कि ऐसा चांस हो सकता है, अगर 1 साल तक का, 2 साल तक का ये चलता रहा अपने फेस से। और देखो एक चीज़ है ना, चाहे कोई भी गवर्नमेंट कहीं की भी कुछ भी कर ले, लेकिन अगर एक कंट्री भी उसे लीगल कहती है तो चीज़ों को बढ़ने से कोई नहीं रोक पाएगा। बढ़ने का मतलब इतनी ग्रोथ नहीं मिलेगी, करेंसी में इतनी ग्रोथ नहीं मिलेगी, लेकिन जो क्रिप्टो करेंसी की सर्विसेज आ रही है, साइट सर्विसेज, उनको रोकने से कोई नहीं रोक सकता। ध्यान से समझना मैं क्या बोल रहा हूँ कि ये डिजिटल करेंसी फिर भी इन पे इफेक्ट पड़ेगा, प्राइस इनके नीचे आ सकते हैं, लेकिन जो इसके बेस्ड सर्विसेज शुरू हो रही हैं, जो एप्लीकेशंस बन रही हैं, जो सर्विसेज आ रही हैं, उनको बढ़ने से कोई नहीं रोक पाएगा, क्योंकि वो सारे के सारे ये बोलेंगे कि उस कंट्री में लीगल है और वो लोग सारा का सारा उस कंट्री से ऑपरेट करेंगे। तो जितने भी लोग घबराते हैं ना कि वो लोग ऐसा सोचते हैं कि यार क्रिप्टो करेंसी है, कल के दिन कुछ हो गया हम लोग क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे, गवर्नमेंट या कोई भी ऑर्गेनाइजेशन
सर्विसेज को बनने से रोक नहीं पाएगी ना, ध्यान से समझना उस चीज को। जो वेबसाइट आज तुम्हें क्रिप्टो करेंसी के साथ सर्विसेज प्रोवाइड कर रही है कि अगर आप उनको अपनी क्रिप्टो करेंसी दे रहे हो तो वहां पर वो आपको चीजें, अभी मैं तुमको एक एग्जाम्पल के लिए बता रहा हूँ कि गैम्बलिंग की साइट शुरू हो गई है, गैम्बलिंग की साइट शुरू हो गई जहां पर आप क्रिप्टो करेंसी का यूज कर सकते हो। जो रियल गैम्बलिंग होती है ना, जैसे आप गैम्बलिंग नहीं, बैटिंग की साइट्स, जैसे क्रिकेट में बैट लगाते हो, तो पहले क्या सोचते थे लोग कि यार एक साइट थी बैट 365 करके, लोग सोचते थे वहाँ पर कितना कॉम्प्लेक्स प्रोसीजर है। लोग जाते हैं, उनका पहले तो अकाउंट के लिए KYC मांगते हैं, उसके बाद पैसे के लिए भी 4 दिन का टाइम लेते हैं। यहाँ पर कोई इस तरह की साइट शुरू हो गई जहाँ पर कुछ नहीं करना है, खाली ईमेल आईडी डालनी है और उसके बाद तुम्हारा अकाउंट सेटअप हो जाएगा, क्रिप्टो करेंसी को करो और क्विक, बिल्कुल वहाँ से तुमने किया और तुम अगर जीते तो तुम्हारी क्रिप्टो करेंसी बढ़ गई। लोग बैटिंग का मजा ले सकते हैं, मतलब एक तरीके समझो इस तरह की दुनिया भर की सर्विसेज अवेलेबल हैं। अगर कोई मान लिया किसी एक में बैन लगाए तो 10 ऐसी खुल जाएंगी, और जहाँ पर कोई वो कहेंगे कि हमारे यहाँ तो लीगल है, तुम हमें क्यों रोक रहे हो, हमें तो रोक ही नहीं सकते। अगर इंडिया में मान लिया कोई चीज़ लीगल हो जाए, वहाँ से मैं किसी सर्विस को चालू करता हूँ, तो वो कैसे कोई इसको रोक सकता है? जिस कंट्री से वो ऑपरेट कर रहे हैं वहाँ पर लीगल है वो चीज़, तो वो रोक नहीं सकता ना कोई। तो मैं ये कह रहा हूँ साइट सर्विसेज देखो कितनी है। क्रिप्टो करेंसी का यूज़ दुनिया भर की चीज़ों में हो सकता है। अगर कोई भी अगर बांग्लादेश ने बैन कर दिया, लेकिन बांग्लादेश ने उनको थोड़ा बैन कर देगी जो वेबसाइट शुरू हो रही हैं या जितने भी सॉल्यूशन लॉन्च हो रहे हैं, क्योंकि वो जिस जगह से लॉन्च हो रहे हैं वहाँ पर कुछ सारी चीज़ें लीगल है, वहाँ पर तो क्रिप्टो करेंसी का यूज़ हो ही रहा है, तो वो तुम्हारी कंट्री के हिसाब से बैन है लेकिन उनके हिसाब से बैन नहीं है। तो साइट सर्विसेज, साइट एप्लीकेशन बहुत लॉन्च हो रही है। फ्रीलांसिंग की वेबसाइट बन गई है, ध्यान से समझना, फ्रीलांसिंग की वेबसाइट बनी है जहाँ पर को जो काम आप आज फ्रीलांसर के तौर पे काम करते हो ना, डाटा एंट्री का या फिर वेबसाइट डिज़ाइन डेवलपमेंट का, तो वो सारा तुम आप फ्रीलांसिंग में कर सकते हो, बदले में तुमको वहाँ पर क्रिप्टो करेंसी मिलेगी। तो अब इसका दूसरा यूज क्या है वो देखो, कि जिस बंदे के पास क्रिप्टो करेंसी है वो अपनी एप्लीकेशन भी बनवा सकता है, ध्यान से समझना। वो बंदा अपनी वेबसाइट बना सकता है, अपनी वेब एप्लीकेशन बना सकता है, और अपनी कोई भी अगर उसने सॉफ्टवेयर बनाना है या फिर कोई भी नई चीज़ बनानी है तो वो बनवा सकता है क्रिप्टो करेंसी का यूज करके। अगर मान लिया उसके पास पैसा ना भी हो, 60,000 रुपये तुम ऐसे दो फ्रीलांसर पे जाके या फिर 60,000 की क्रिप्टो करेंसी दो, बात तो एक ही है। तो वहाँ पर क्या हो रहा है कि तुमको ऐसे बंदे मिल जा रहे हैं जो क्रिप्टो करेंसी को एक्सेप्ट कर रहे हैं, और 3 वेबसाइट हैं 4 वेबसाइट हैं, एक तो इथलांसर है, ETHLANCER, वो तो खैर पुरानी है, बेकार हो गई। उसके बाद एक नया लॉन्च हो रहा है कॉइन लेंसर, उसका ICO हो गया है पूरा और उनकी आने वाली है, 2 बंदे इंडिया के ही हैं उसके अंदर। एक है तुम्हारा ब्लॉक लेंसर, BLOCK LANCER, उसका ICO लॉन्च होने वाला है इसी जनवरी में और वो भी काम कर रहा है इस पर। चौथा है तुम्हारा क्रिप्टो ग्रिन करके है शायद एक साइट, क्रिप्टो ग्रिन वो भी है लेकिन उस पर भी कुछ चीज़ें पुरानी हैं। तो जो कॉइन लेंसर और ब्लॉक लेंसर आएगी वो नहीं होंगे। तो ये साइट कैसी है, यहाँ पर कोई बंदे को अगर क्रिप्टो करेंसी चाहिए तो वो बदले में किसी की वेबसाइट डिजाइन कर ले या डाटा एंट्री काम कर ले, जो आज आप एज अ फ्रीलांसर काम करते हो वो सारी वहाँ पर तुम वहाँ पर काम करोगे और बदले में तुमको वहाँ पर क्रिप्टो करेंसी मिलेगी। तो दोनों का फायदा है। तुम उसका स्कोप देखो ना, मैं स्कोप बता रहा हूँ कि जो भी चीज़ें होती हैं, किसी कोई भी बात करता है कि क्रिप्टो करेंसी नहीं होगी तो क्या होगा, अगर कोई बैन हो गई, कुछ हो गया, तो मैं ये कह रहा हूँ कि साइट सर्विसेज इतनी है ना, इतनी ज़्यादा साइट सर्विसेज कि पूछो मत। क्रिप्टो करेंसी को देकर तुम लोन ले सकते हो, ध्यान से समझना, अगर तुम्हारे पास क्रिप्टो करेंसी है तो तुम उसको कहीं पर रख के लोन ले सकते हो, तुम्हें लोन मिलते हैं पैसे का, जो रियल लोन होता है ना, रियल पैसा जो मिलता है गाड़ी खरीदने के लिए, खरीदने के लिए, घर बनाने के लिए जो लोन मिलता है, वो तुम क्रिप्टो करेंसी के बेस पे, और जहाँ से वो लोग ऑपरेट कर रहे हैं वहाँ लीगल है, वो लोग तो लीगल तरीके से कर रहे हैं काम को। तो समझो क्या कहना चाह रहा हूँ, कि मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि इसके जो साइड प्रोडक्ट बनने हैं ना, जो क्रिप्टो करेंसी को एक्सेप्ट कर रहे हैं, वो इतनी सारी चीज़ें हैं कि तुमको पैसे की रिक्वायरमेंट पड़ेगी ही नहीं। जो बंदा ये सोचता है कि मुझे INR में अगर कन्वर्ट नहीं होता है, मान लिया तुम्हारी अगर इंटरनल करेंसी में कन्वर्ट नहीं होता तो मैं इसको कैसे यूज करूँगा, ये तो मैंने 3-4 बताई तुम्हें, एक लिस्ट बनाऊंगा ना अगर, तो उसमें इतनी सारी मिल जाएंगी पूछो मत। तुमको जिस चीज़ की रिक्वायरमेंट होती है तुम वो क्रिप्टो करेंसी से ले सकते हो, और उनको बढ़ने से कोई रोक ही नहीं पाएगा। कितना रोकोगे, एक रोकेगा कोई बंदा, अगर एक वेबसाइट में बैन लगेगा तो 20 वेबसाइट तैयार खड़ी हैं पीछे से, जिनको मौका चाहिए कि कोई उसको बैन लगा और हम आगे बढ़ जाएं, समझना ध्यान से। और उन 20 को कोई रोकेगा तो 200 हैं तैयार हैं बैठे, वो बना देंगे अपनी वेबसाइट, उनको कोई रोक नहीं पाएगा, क्योंकि उनको पता है कि क्रिप्टो मार्केट अगर गलती अगर 10 कंट्री ने भी उसे लीगल किया है तो बहुत है, क्रिप्टो करेंसी को चलाने के लिए बहुत है, समझना ध्यान से। उनका तो मार्केट चलेगा ही, वो लोग क्रिप्टो करेंसी पे पैसा भी कमाएंगे, जो सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं वो लोग क्रिप्टो करेंसी से पैसा कमा रहे हैं, तब जाके तो वो कर रहे हैं सर्विसेज प्रोवाइड। तो मैं ये कह रहा हूँ कि वहाँ पर कई सारी ऐसी सर्विसेज हैं जो एक्सेप्ट कर रही हैं, तो उसका यूज केस जो है ना, जो आपके पास है उसका यूज केस बहुत बड़ा है, ध्यान से समझना। मैं किसी चीज़ को प्रमोट नहीं कर रहा हूँ
लेकिन एक चीज़ के बारे में पूरी चीज़ें बता रहा हूँ ना, क्या है क्या नहीं है करके, जो लोग सोचते हैं बोलते हैं उनके बारे में। और दूसरी बात ये है, देखो तीन चार चीज़ें तो मैंने क्लियर कर दी, चौथी चीज़ ये है मेरे भाई कि जब भी ऐसा होता है ना, लालच सबसे गंदी चीज़ होती है। हमारी जो गवर्नमेंट है या कोई भी है, जब वो बोलती है, वो ऐसा बोल रही है कि क्रिप्टो मार्केट में मत जाओ, ये यहाँ पर को चीज़ें आपकी बहुत वो हो सकता है, वोलेटाइल मार्केट है, पोंजी स्कीम की तरह है, कोई इसको चला नहीं रहा है, ये अपने आप लोगों के उससे चल रही है, ऐसा बोल रहे हैं। और वो बिल्कुल सही बात है, ये जो मार्केट चल रही है पूरे लोगों के उससे चल रही है, कोई इसे ऑपरेट थोड़ा कर रहा है, कोई खरीद रहा है, कोई बेच रहा है, कोई पंप कर रहा है, कोई डंप कर रहा है, इस तरीके से चीज़ें ऊपर जाती रह रही है, नीचे आती रह रही है, समझना ध्यान से। शेयर मार्केट में बहुत सारी चीज़ें होती है, वो काम करती है, शेयर मार्केट जो होता है वो प्रॉपर तरीके से प्रोसेस के हिसाब से काम करता है, लेकिन क्रिप्टो मार्केट उस हिसाब से काम नहीं करता। आज तो आप लोग इस फेज को देख रहे हो, जो फेज चल रहा है इस फेज को देख रहे हो, लेकिन अगर मान लिया गलती से फेज डाउन में आ जाए, जब चीज़ों के बारे में एक्चुअल चीज़ें पता चल जाए और चीज़ों में गेन ना मिले, वो फेज होगा जब सीधे सीधे लोग निकलना चाहेंगे, और गलती से इस पर जैसा टैक्स बढ़ रहे हैं, जो कंट्री है उस पर टैक्स लगा रही है ज़्यादा, तो अभी तुम देखो कि एक बिटकॉइन अगर तुम 2,000 रुपये का ट्रांसफर कर रहे हो, पहले तो ऑलरेडी तुम 500-600 रुपये का एक्स्ट्रा दे रहे हो, उसमें 2,000 का बिटकॉइन देने के लिए 500-600 रुपये देने पड़ रहे हैं उसके ऊपर से, और उसके बाद अगर गवर्नमेंट उस पर टैक्स लगा दे, कभी तुम निकालना चाहो, ज़्यादा अगर टैक्स लगाती है तो फिर कौन बंदा जाना चाहेगा, ध्यान से समझना। जिन लोगों ने ज़्यादा गेन लिया है वो अपना पैसा निकालेंगे, लेकिन जाना कौन चाहेगा वो सोचो ना, कि अगर वो उस बंदे ने पैसा लगाया और उस पर उसे इतना टैक्स देना पड़ रहा है, और मान लिया क्रिप्टो मार्केट में उस वक्त गेन वाला पीरियड ना हो, अभी तो गेन वाला पीरियड है, सबको पता है, जो बंदा आज पैसा लगा रहा है वो ऊपर जा रहा है, लेकिन मैं कह रहा हूँ गलती से अगर उस टाइम पे गेन पीरियड ना हो फिर क्या होगा, तो बंदा पहले ही मना कर देगा, किसी के कहने की रिक्वायरमेंट होगी ही नहीं कि भाई क्रिप्टो करेंसी में मत जाओ, खुद ही लोग कहेंगे भाई मैंने नहीं जाना, वहाँ कुछ बढ़ नहीं रहे प्राइस, ऊपर से घटा लग जा रहे हैं, और दूसरा यहाँ पर टैक्स इतना पड़ रहा है, कौन जाएगा, ध्यान से समझना। तो वहाँ पर कोई भी इंसान जाना नहीं चाहेगा, किसी को कहने की सुनने की ज़रूरत नहीं है, उस समय ऐसा समय आने वाला है, एक समय आएगा ऐसा जहाँ पर वो क्रिप्टो मार्केट अपने नेचुरल प्राइस पे आएगा, चीज़ें बढ़ने के बजाय घटना शुरू हो जाएंगी, और बढ़ेंगी वो चीज़ें जिनके अंदर पोटेंशियल होगा, और कुछ एक चीज़ें होंगी जो बढ़ेंगी, और जितने भी मार्केट में आज प्रिडिक्शन कर रहे हैं किसी भी चीज़ के बारे में कि ये कॉइन ले लो ये बढ़ जाएगा, उस कॉइन को सिग्नल जो कहते हैं ना, सिग्नल देते हैं, तो वो सिग्नल किसी का काम नहीं करेगा। अभी तो मार्केट बढ़ रही है तो किसी में भी तुक्का मारो वो बढ़ जाएगा, ये वाली चीज़ें हैं, किसी में भी मारो तुक्का, तुम खुद जाओ 1,000 करेंसी सेलेक्ट कर लो, 1,000 में से किसी में भी तुक्का मारो आंख बंद करके, ये मैंने ले लिया, तुम उसको ले लो और वो बढ़ जाएगा, ये फेज चल रहा है ना भाई उस तरह का, लेकिन कल ये फेज नहीं चलेगा, तब जाके जब तुम तुक्का मारो और जो बंदे तुम्हें सिग्नल प्रोवाइड कर रहे हैं, फिर उनकी एक्सपर्टीज उस टाइम पे काम आएगी, जो एक्सपर्टीज होती है ना कि जब तुम बता दो चीज़ों के बारे में कि इस पे जाके इन्वेस्ट करो, तब जाके जो एडवाइजर होंगे, जो एक्सपर्टीज होगी वो निकल के बाहर आएगी, तब लोगों को बताया जाए, अगर कोई बताए कि यार ये करेंसी में ऐसे हुआ, तब जाके मानी जाएगी, वरना अभी तो सारी चीज़ें चल ही रही हैं, मैं तुमसे क्या कहूँगा बताओ। लोग मुझसे कहते हैं कि एडवाइस कर दो कौन सा कॉइन लें कौन सा ना लें, तो मैं क्या एडवाइस करूँगा उस पर, अभी तो तुम किसी भी करेंसी पर जाओ तुमको गेन मिल जाना है। जब हम बाइनेंस के अंदर गए थे, तीन कॉइन थे सस्ते, पहला था ट्रॉन, उसके बाद था वर्ज, उसके बाद था फन फेयर। जो भी बंदा जाता था वहां पर को सबसे पहले यही कॉइन परचेज करता था, 15 पैसे का ट्रॉन था, 35 पैसे का वर्ज था, और फन फेयर तुम्हारा ऐसे ही होगा 90 पैसे 1 रुपये का समथिंग, या उस ऐसे ही होगा, मतलब इसी के आसपास होगा, इतने सस्ते ये कॉइन थे। अब जिसने तुक्का भी मारा, जिसने ले लिए सबसे पहले तो लोगों ने यही लिए, वो सारे के सारे आज कहाँ पहुँच गए, समझो ना, जिसने वर्ज लिया उसको 44 गुने का गेन मिला उस टाइम से अब तक का, जो 22 रुपये में जो हाईएस्ट पीरियड गया था ना, 22 रुपये जो छू के आया नीचे, उस 22 रुपये में उन लोगों ने 44 गुने गेन लेके बाहर निकले हैं इससे, वर्ज से। जो ट्रॉन में गए थे लोग, ट्रॉन में खुद सोचो 15 पैसे का प्राइस, 17 पैसे का प्राइस 17 रुपये में पहुंच जाए, तो वो कितना गेन है वो खुद लगाना हिसाब, ठीक है ना, उतना गेन इन लोगों ने ले लिया। फन फेयर वालों ने गेन ले लिया, कार्डानो सस्ता था उनने गेन लिया, जो कॉइन तुम कहोगे वो सस्ते थे उस टाइम पे, सारे के सारे अभी गेन में चल रहे हैं। तो मैं क्या कह रहा हूँ कि वो तो अभी फेज चल रहा है, उस टाइम पे तो कुछ तुम लोगों ने भी कुछ किसी से एडवाइस लेने की मुझे नहीं लगता कोई ज़रूरत है। कोई भी कॉइन देखो, बस तुम उसका विजन देख लो, तुमको अगर ऐसा लगता है ना कि, तभी तो मैं क्या कर रहा हूँ, मैंने बताना ही छोड़ दिया, मैं तो ये कह रहा हूँ कि चीज़ों के पीछे के विजन के बारे में बात करते हैं, कि वो किस चीज़ के लिए मार्केट में आया है, क्या चीज़ें प्रोवाइड कर रहा है, ताकि आपको एक सियोरिटी मिल सके, आप घबराओ ना। अगर मान लिया किसी ने गलती से उस पर इन्वेस्टमेंट डाली भी है, कॉइन कम भी हो रहा है, तो उसको घबराहट तो नहीं होगी, उसको लगेगा कि यार रोड मैप तो अच्छा है, टीम भी अच्छी है, चलो अभी ना सही 3 महीने बाद ही सही कुछ गेन मिल जाए, तो उस तरीके से मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ, और जो इसके नेगेटिव साइड है वो भी बताने की कोशिश कर रहा हूँ, कि जो भी अगर ऐसा होता है ना, कई बार
कई बार क्या होता है ना, कुछ लोग तो समझदार हैं, बहुत सारे लोग हम तुम जैसे हैं, कई सारे लोग जो हैं वो वाकई में चीज़ों के बारे में जानते हैं। अगर वो लोग आज हैं तो उनको पता है कि यार मार्केट कभी भी नीचे जा सकती है, और जब जाएगी तो सारा का सारा लॉस करके जाएगी, पूरा अच्छे से निकाल के जाएगी, तेल तेल निकाल के जाएगी पूरा का पूरा। तो मैं ये कह रहा हूँ तुम लोगों से कि पर कई सारे लोग ऐसे हैं जो बच्चे टाइप के हैं, जो हो गए हैं बड़े लेकिन अभी भी बच्चों जैसे हरकतें करते हैं। तो मैं कह रहा हूँ कि उनको क्या हो रहा है कि वो लोग ज़्यादा पैसा लेके अपने रिश्तेदारों से भी मांग ले रहे हैं, जगह जगह से मांग के वो अपना इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं। मैं ये कह रहा हूँ कि खतरा उन लोगों के लिए है, क्योंकि एक तो यह है कि प्रॉपर समझ है नहीं मार्केट के बारे में, और गलती से उनने वो प्राइस ले लिया जो बड़े हैं, जो बड़ा प्राइस ले लिया, तो कई बार उस प्राइस को बढ़ने में 6 महीने का समय लग जाता है, 3 से 6 महीने का टाइम अपने उस प्राइस पे आने में जहाँ से वो नीचे आया था। कई सारी करेंसी गई हैं ऐसे। तो मैं कह रहा हूँ कि उस वक्त क्या होगा, उन लोग का क्या होगा। और जब भी ऐसी चीज़ें होती है ना, तो कई बार बच्चे, जब बच्चे का मतलब कि जो लोग होते हैं जिनके समझ नहीं होती प्रॉपरली, उनका विकास नहीं होता दिमाग का, तो वो लोग बहुत गलत स्टेप लेते हैं। ध्यान से समझना, मैं तुम्हें सच्चाई से रूबरू करा रहा हूँ कि ऐसा है कि अभी तो गेन वाला पीरियड है, जब भी किसी का लॉस वाला पीरियड में जिसने इन्वेस्ट किया होगा और लॉस हो जाए उस टाइम पे, और वो चीज़ रिकवर ना हो पाए, और जिन लोगों से उसने उधार मांगा या कुछ भी किया उनका पैसा वो ना दे पाए, तो वहाँ पर को बहुत ज़्यादा गलत स्टेप ले लेता है बच्चा। तो मैं ये कह रहा हूँ कि जितने भी लोग सुन रहे होंगे मुझे, चाहे बच्चे हो चाहे कोई भी हो, आप लोग अगर कोई भी हो, अगर तुम में से कोई बच्चे हो, बच्चे टाइप के हो, तो मैं ये कह रहा हूँ कि देखो चीज़ें ऐसी होती हैं कि अगर कोई मान लिया इन्वेस्ट, तो तुम वैसे भी करना ही है, कहीं से भी जाओगे, तुम दुनिया भर के लोग बता रहे हैं तो नेट पे तो सारी चीज़ें अवेलेबल हैं, कहीं ना कहीं से घुस ही जाओगे। तो मैं ये कह रहा हूँ कि कभी भी जाते हो तो किसी से उधार मत मांगना, पहली चीज़ ध्यान से समझना, किसी भी बंदे से उधार मांग के मत आना। जो तुमने अपने हार्डवर्क से कमाया है, जो तुम्हारा खुद का पैसा है, उसको लगाना, और उतना मत लगाना कि जिसको तुम कवर ना कर पाओ, जिसको मतलब तुम आगे नुकसान झेल ना पाओ, उतना लगाना जिससे तुम, अगर उसमें कम बढ़ती होती है तो उसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो उतना पैसा लगा के तुम यकीन मानो अगर स्ट्रेटेजिक तरीके से चलोगे, स्ट्रेटेजी के साथ, तो आगे बढ़ जाओगे। यहाँ पर सारे कॉइन में अभी फेज चल रहा है ना उस टाइप का, कि यहाँ पर कोई जो बंदा जा रहा है सही जगह पर, अगर वो इन्वेस्ट कर रहा है सही चीज़ों सुनने के बाद, तो वो आगे बढ़ जाएगा। मैं कह रहा हूँ कि तुम्हारा जो कम कीमत है वो भी एक समय के बाद ज़्यादा कीमत बन जाएगी, तब जाके तुम अपनी रियल प्राइस को निकाल के बैंक पे बाकी जो बना बेनिफिट है उससे आगे खेल सकते हो, उससे आगे बढ़ सकते हो। लेकिन अगर तुम जाके किसी से उधार मांग के चीज़ों करोगे तो वो बड़ी दिक्कत हो जाएगी। बहुत सारे जो ऐसा यहाँ पर लोग जुड़े हैं ना, वो सारे के सारे जो बच्चे सुनते होंगे, बच्चे का मतलब जो 18 से साल के ऊपर के भी हैं, लेकिन अभी भी वो लोग कहीं से कमा नहीं रहे हैं, वो सारे लोग भी तो करते हैं इस काम को। तो मैं उन लोगों के लिए कह रहा हूँ कि देखो ऐसा है, जो लोग यहाँ पर करते हैं वो लोग कमाते हैं पैसा, वो लोग जॉब जाते हैं, जॉब से उनको पैसा मिलता है, उसके बाद उनने छोटी छोटी इनकम जो है, 1 महीने में 1,000 रुपये लगाए, अगले महीने में थोड़ा 1,000 और लगा दिए, इस तरीके से वो लोग कर रहे हैं, कोई भी एक बार में ज़्यादा पैसा नहीं डाल रहा है। और कई सारे मैंने ऐसे लोग देखे हैं जिन लोगों ने 10,000 से अपनी जर्नी शुरू करी, केवल 10,000 रुपये से, और अपने ही जो उनकी पैसे थे ना, जितना उनने कमाया उसी में से साइड साइड निकाल के 10,000 रुपये लगाए, और आज वो 10 लाख, 20 लाख, 50 लाख तक तो भी पहुंच गए हैं। कई सारे लोग प्रॉपर तरीके से जो चले, स्ट्रैटेजी के साथ जो लोग चले, 50 लाख में नहीं कह सकता लेकिन 10 लाख का आंकड़ा उनने पार कर दिया है। कई सारे ऐसे लोग भी हैं। तो मैं कह रहा हूँ कि स्ट्रैटेजी को देखना है किस तरीके से काम करना है वो, और कभी भी वो नहीं करना लालच के चक्कर में नहीं पड़ना है, लालच बुरी बला है भाई, लालच जहाँ से खाओगे वहाँ से तुम्हारा नीचे डाउनफॉल शुरू होता जाएगा। तो ये चीज़ है कहने की। तो ये सारी चीज़ें मैंने आपको बताई कुकॉइन शेयर के प्राइसेस के बारे में। मैं कहना चाहता हूँ कि मैं उसके बारे में बहुत पॉजिटिव हूँ कुकॉइन के बारे में, और उसका मुझे लगता है कि प्राइसेस में इजाफा हो सकता है। ऐसा होता है ना कि अगर देखो, मैंने क्या कह रहा हूँ कि वो समझना कि जो प्राइस है 400-500 जो आने की कुव्वत रखता है, वो प्राइस तुम्हारा 3,000-5,000 जाने की भी कुव्वत रखता है आगे, अगर उसमें कुछ भी चीज़ें हैं उसके पीछे कोई भी एक ऐसी चीज़ हो जो उसके प्राइस को बढ़ाने में सहयोग करेगी, तो वो चीज़ ऊपर जा सकती है आराम से। अगर ये फेज चलता रहा, 1 साल भी टिक जाए ना, अगर अच्छे अच्छे जो तुम्हारे आज रखे हैं ना तुम लोगों ने, जिस पर आज तुम्हें गेन नहीं मिल रहा, मुझे ऐसा लगता है वही तुम्हें एक तगड़ा गेन चाहिए चले जाएंगे, ठीक है ना। तो उस तरीके से चीज़ें हैं। कुकॉइन के बारे में बहुत पॉजिटिव हूँ। बाइनेंस कॉइन जो है ना, बीएनबी कॉइन, नियो, सिविक और ये डेंट कुकॉइन शेयर, और इसके अलावा कौन कौन से कॉइन हैं, कुछ कॉइन और हैं, नल्स है, मेरा ना इनसे पर्सनल लगाव है, मैंने इनको इसलिए परचेज नहीं किया कि मेरी इन्वेस्टमेंट बढ़ेगी इतना हो जाएगा, वो तो एक रीज़न है, लेकिन बजाय उसके मेरे को ना इनकी टेक्नोलॉजी पे भी ट्रस्ट है, जो ये काम के लिए कह रहे हैं उन पे मुझे एक ट्रस्ट आता है, और फ्यूचर के हिसाब से मुझे लगता है कि यह चीज़ें ऐसी हैं कि जो घाटा अगर होगा भी, मान लिया अगर घाटा हो भी जाता है गलती से, तो उतना नहीं होगा,
ये चीज़ें बढ़ा के दे ही देंगी, ऊपर बना के दे ही देंगी कुछ ना कुछ चीज़ें, तो मुझे ऐसा लगता है इसलिए मैंने इनको होल्ड किया। और मेरी पर्सनल उस पर अपना एक इंटरेस्ट है, तभी तो मैं BNB कॉइन को दे नहीं रहा हूँ, बेच नहीं रहा हूँ। मैं तो ऐसा करता हूँ कि जब BNB कॉइन कम होता है ना, जैसे उसका प्राइस घटा, तो मैं उस टाइम पे थोड़े अपने कॉइन निकाल के ख़रीद लेता हूँ BNB कॉइन को। पता नहीं मुझे ऐसी क्यों इंडिकेशन, पॉजिटिव वाइब्रेशन आ रही है कि अगर उनका डिसेंट्रलाइज एप्लीकेशन क्रिएट हो जाता है तो वहाँ पर एक बहुत बड़ा गेन देखने को मिल जाएगा BNB कॉइन के ऊपर। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि देखो आप लोगों को क्या करो कि BNB कॉइन तो बढ़ नहीं रहा है, दूसरे कॉइन तो बढ़ रहे हैं, तो क्या करना है कि उस टाइम पे कुछ छोड़ के कुछ निकाल के अपने कर सकते हो। अगर मान लिया 5-10 गुने अगेन कहीं और से मिल जाए तो उसमें क्या गलत है, बाद में खरीद लेना BNB कॉइन। और समझना बात को, तो ये कहने की बात है मेरी। आशा करता हूँ ये वीडियो में कुछ चीज़ें समझ में आई होगी आप लोग को। और मैं ये कहना चाहता हूँ कि मैं कोई फाइनेंशियल एडवाइज़र नहीं हूँ, मैं किसी को एडवाइस नहीं कर रहा हूँ किसी भी चीज़ के बारे में। जो भी चीज़ें बोलता हूँ मैं उसके पक्ष और विपक्ष को देखते हुए बोलता हूँ। पक्ष क्या है वो मैंने आपको बताया, और विपक्ष क्या है वो भी मैंने आपको बताया कि मार्केट में बहुत ज़्यादा वोलेटिलिटी है और कभी भी ऊपर चीज़ें नीचे जा सकती हैं, कभी ऊपर बढ़ सकती है, कुछ भी हो सकता है। तो उस चीज़ को ध्यान में रखते हुए काम करना है और सही तरीके से काम करना है। किसी को देखो तुम्हारी वजह से किसी को भी नुकसान होना है, किसी की भी वजह से, तुम्हारे घर वालों को, तुम्हारे मम्मी पापा को या रिश्तेदारों को, या फिर हमारी चक्कर से अगर किसी को भी हो, ठीक है ना, हमारे बड़े बुजुर्गों को, वो बड़ी खराब चीज़ें होती हैं। इससे बढ़िया 4 पैसा ना मिले ना मिले, यार क्या हो गया, नहीं भी आया नहीं आया कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उन लोगों को तकलीफ नहीं होनी चाहिए तुम्हारी किसी भी हरकत से। और मैं कह रहा हूँ कि कभी भी कुछ होता भी है ना, छोटे मोटे लॉस बड़े, तो ऐसे घबराया मत करो, ध्यान से समझना बात को। कभी कभी इंसान बहुत घबराता है, अरे ऐसा होता है ना कि एक कई सारे ऐसे बंदे होते हैं जिनके अंदर पॉजिटिविटी होती है ना, जिन बंदों के अंदर वाकई में कुछ होता है, उन लोगों ने अपने ऐसे ऐसे फेस देखे होते हैं जहाँ पर कुछ छोटे मोटे बंदे और बड़े बड़े बंदे वहाँ पर सुसाइड कर लेते हैं, ऐसे ऐसे फेस देखते हैं वो लोग। लेकिन उनके अंदर ऑप्टिमिस्ट होते हैं वो लोग, आशावादी होते हैं, उनके अंदर एक गजब का उत्साह होता है, अंदर से इतना पोटेंशियल होता है उनके अंदर से, तो वो लोग उन उन फेजों को देखने के बाद भी बहुत आगे जाते हैं। समझना ध्यान से, कुछ लोग तो एक बार देखते होंगे ज़िंदगी में वो फेज, लेकिन वो जो हिम्मत वाले लोग होते हैं ना, वो ज़िंदगी में 50 बार वो फेज को देखते हैं। जब ऊपर वाला इम्तहान लेता है तो उनकी ऐसे इस तरीके से इम्तहान लेता है, लेकिन वो लोग अपने उस फेज से निकल के अपनी पॉजिटिविटी के साथ आगे बढ़ते हैं और वो सारे मुकाम हासिल कर लेते हैं जो उनको चाहिए होते हैं। ध्यान से समझना, तो मैं ये कह रहा हूँ कि देखो छोटी मोटी चीज़ों में जब घबराते हो ना, तो गलत स्टेप लिए लेता है तब इंसान जब घबराता है, इतना मत घबराया करो। कभी भी कुछ हो जाता है तो वो समय होता है, निकल जाएगा इंसान बाहर कभी किसी समय पर अगर आदमी है तो। समय क्या होता है, बहुत बड़ा, समय हर दर्द की दवा है, वो तुम्हें धीरे धीरे बाहर निकालेगा अगर तुम पॉजिटिव तरीके से काम करोगे, मेहनत करो। अगर मेहनत करना, देखो मेहनत करना कभी नहीं छोड़ना, खाली ये नहीं कि घुस गए उसी पे काम कर रहे हो। हम लोग तो अभी भी, मैं तो जॉब करता हूँ, मैं यहाँ बोल भी रहा हूँ तो मैं जॉब करके टाइम पे भाई चीज़ें करता हूँ, खाली टाइम मिल जाता तो जॉब मेरी प्रायोरिटी है, मेरे को जॉब है जो मैं जो मुझे आगे ले जाएगी। ये चीज़ें क्रिप्टो मार्केट, ये चीज़ें आगे नहीं ले जाएंगी मुझे, मेरी जॉब जो है मुझे उससे प्यार है। ये तो खाली साइड प्रोडक्ट है, कभी टाइम मिल गया कर लिया वाली बात है, पूरी दुनिया मजा लूट रही है हमने भी थोड़ा बहुत कर लिया ऐसी वाली बात है, बस और कुछ नहीं। तो ये था वीडियो, थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, आपसे फिर मुलाकात होगी आगे, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद जय भारत।